नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक मरीज का टेंडर आरक्षक को चिकित्सकों ने बंधक बनाकर जमकर पिटाई की है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये रही कि घायल अवस्था में युवक ने जब 100 डायल को फोन किया तो 100 डायल अस्पताल तो पहुंची, लेकिन पुनः युवक के साथ मारपीट होती रही। जो जानकारी अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि SF के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि CISF का कंपनी कमांडर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती है, जिसका टेंडर आरक्षक आकाश ताहू को कुछ प्रॉब्लम होने पर उसे चिकित्सकों से अपने आप को दिखाने की बात कही। तकरीबन 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद जब दोबारा आरक्षक के दौरान चिकित्सकों से बात की गई तो वो भड़क गए। चिकित्सकों ने मिलकर आरक्षक के ऊपर लात घूंसे से हमला कर दिया और देखते ही देखते कई चिकित्सक एकत्रित हो गए और आरक्षक को बंधक बनाकर एक कमरे में पीटते रहे। जब आरक्षक के द्वारा इस बात की शिकायत 100 डायल को दी गई तो 100 डायल आई, लेकिन पुनः युवक के साथ मारपीट की जाती रही है। इस बात की सूचना मिलने पर अमहैया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर आरोपी चिकित्सकों को सामने किया गया है आरक्षक के द्वारा। चिकित्सकों की पहचान भी की गई है, जिनके पास से पीड़ित का मोबाइल भी बरामद किया गया। सर, कल SF के जवान के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला दर्ज हुआ है? मामला ये था कि एक SF का जवान जो है अस्पताल में एक अटेंडर था, एक कंपनी कमांडर साहब का, उसी दौरान उसको जो है उसके टेस्ट्स में कुछ प्रॉब्लम लगी, दिखाने गया था। वहाँ किसी छोटी मोटी चीज़ को लेकर वाद विवाद बढ़ा और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसके साथ काफ़ी मारपीट हो गई, जिस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और नामजद चिकित्सकों पर मामला दर्ज किया गया है, जिनमें डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, डॉक्टर रवि पाटिल, डॉक्टर देवेश गुप्ता, डॉक्टर शिव शक्ति, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर अजय पाटीदार, डॉक्टर हृदय दीक्षित और अन्य 4 साथी उनके, जिनने मारपीट की थी, उन पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। और डॉक्टरों की शिकायत पर भी आरक्षक पर, उक्त आरक्षक पर शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से विवेचना की जा रही है।